एक प्रोफेसर को अपने ऊपर लगे हुए एक दाग की वजह से एक छोटे से टाउन में आना पड़ता है। वहां पर एक ऑब्सेसिव अफेयर की वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। आज के हमारी मूवी में लव, रिवेंज, सल्वेशन ये सब कुछ चीजें हैं, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। आज मैं आपको 2014 की स्कारलेट इनोसेंस, एक कोरियन थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर हमसे इंट्रोड्यूस होता है। इसका नाम है हक। हक एक्चुअल में सियोल की एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। वहां पर उस पर इल्जाम लगा एक स्टूडेंट के साथ वो इंटीमेट हुआ, इसी वजह से उसे छोटे से गांव में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो हमसे कहता है कि इस टाउन में वो इंस्पिरेशन ढूंढने की कोशिश करेगा। वो एक राइटर है और अपनी बुक कंप्लीट करना चाहता है। जब वो इस टाउन में आया तो कहता है मेरी सारी इंस्पिरेशन चली गई क्योंकि टाउन बहुत ही डल है। यही पर बस स्टॉप पर वेट करते हुए वो हमारी और एक मेन कैरेक्टर से मिलता है। इसका नाम है चंगी। वो उससे कहती है मैंने इस गांव में किसी को भी सूट में नहीं देखा, कहकर वो चली गई। इसके बाद जब वो क्लासरूम में आया तो वहां सब ओल्ड लोग थे। नॉवेल लिखते कैसे है इसके बारे में हक उन्हें पढ़ाने वाला था। वो कहते हैं ओल्ड लोग कोई भी नॉवेल लिख नहीं सकते, आप सबको दिल से यंग होना पड़ेगा। सब बूढ़े लोग कहते हैं इस उम्र में कोई मिलेगी नहीं, पर आइडिया बहुत अच्छा है। इसके बाद हमें चंगी और उसकी मदर दिखाए जाते हैं। ये दोनों अकेली है तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। डिनर के वक्त ये दोनों डिस्कस कर रहे थे। चंगी कहती है इस टाउन का रिकंस्ट्रक्शन होने वाला है, एक घर सेल कर उन्हें थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद वो सियोल जा सकते हैं, अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। मदर कहती है कि तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए, तुम किसी अच्छे लड़के को ढूंढो, उसके साथ शादी कर लो। मदर का एक ही सपना था कि चंगी की जल्द से जल्द शादी हो जाए। वो उससे कहती है कि अच्छा सा लड़का ढूंढो, उसे जल्द से शादी कर लो। मदर एक लड़के को जानती थी तो उसके साथ ब्लाइंड डेट भी उसने फिक्स कर दी है। चंगी एक पार्क में काम करती थी जहां पर रोलर कोस्टर वगैरह होते हैं। हाक सब कुछ देखते देखते वहां पर पहुंच गया था। वो उससे कहती है कि तुम बहुत ही अजीब हो, अकेले सूट में राइड करने के लिए आए हुए हो। हाक कहता है कि मैं यहाँ राइड करने के लिए नहीं आया, मेरा यहाँ पास ही लिटरेचर का क्लास है। चंगी लिटरेचर में बहुत ही इंटरेस्टेड है तो नेक्स्ट सीन में डायरेक्टली हाक की क्लास में वो भी एडमिशन ले लेती है। लिटरेचर से ज्यादा वो हाक में भी इंटरेस्टेड थी। आज क्लास के बाद सब स्टूडेंट्स वगैरह मिलकर डिनर कर रहे थे। यहाँ पर एक ओल्ड मैन चंगी से पूछता है तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी थी। चंगी नहीं चाहती थी इसके बारे में हाक को कुछ भी पता चले। यहाँ वो अनकंफर्टेबल होकर बाहर निकल जाती है। उसके पीछे हाक भी आया। चंगी का घर दूर था पर वो भी हाक के पीछे पीछे आती है। हाक एक होटल तक गया, यहाँ पर वो अकेला ही ड्रिंक और डिनर करता है। चंगी ये सब देख रही थी। रात में उसे सपने आए कि वो और हाक ये दोनों रोलर कोस्टर पर है। अगले दिन हाक फिर से चंगी को उसके काम पर मिलने के लिए आया। चंगी कहती है ये टाउन बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, ये डेमोलिश होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाक ने कहा अगर बोर हो रहा है तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ट्राई करो। चंगी पूछती कि ऐसा क्या कर सकते हैं। हाक कहता है मैं इतना इंटरेस्टिंग नहीं। उसने बॉटल निकाली और ड्रिंक कर रहा था। चंगी कहती कि मुझे भी ट्राई करना है पर ये बहुत ही कड़वी अल्कोहल थी। हाक ने कहा कि तुम ड्रिंक नहीं कर सकते। चंगी कहती कि ऑफ कोर्स कर सकती हो। रात में फिर ये दोनों ड्रिंक करने के लिए आए। वो हाक से पूछती है तुम इस टाउन में आए क्यों। हाक कहता है कि गलत फहमी हुई थी, इसी वजह से मुझे यहाँ पर भेज दिया गया है। चंगी ने इस पर बिलीव किया। हाक को ये बात अच्छी लगती है। यही पर हाक को उसकी डॉटर का कॉल आ जाता है। उसकी डॉटर उसे घर बुला रही थी। हाक में जो इल्जाम लगे थे इसकी वजह से उसमें और उसकी वाइफ में झगड़ा हो चुका है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो इसी वजह से हाक घर पर नहीं गया था। आज रात वो डॉक्टर को कहता है कि मैं आ जाऊंगा। वो बस में तो चढ़ा पर नीचे उतर गया। वो चंगी से कहता है अगर मैं ऐसे ही घर गया तो फिर से मेरी वाइफ के साथ मेरा झगड़ा हो जाएगा। इसके बाद चंगी भी हाक के साथ उसके घर पर आई। ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली रात ये दोनों चंगी जिस पार्क में काम करती है उसी पार्क में पहुंच गए। इन्होंने फेरिस व्हील स्टार्ट किया और उसमें इंटीमेट हो जाते हैं। इस पार्क के गार्ड ने यह सब देख लिया था। एक छोटा टाउन है तो सबको सब चीजें पता चल जाती है। चंगी की मदर डेफ थी तो कुछ भी सुन नहीं सकती थी, पर सब लोग सिर्फ चंगी के बारे में बात कर रहे थे तो फाइनली लिप्स पढ़कर उसे समझ में आ गया। चंगी की मदर को बहुत बुरा लगता है। चंगी और हाक ये दोनों एक साथ बहुत खुश थे। ये दोनों अलग अलग जगह पर घूमे। एक शॉप से होते हुए चंगी को वहां के शूज बहुत पसंद आए। हाक उसे पता नहीं चलने देता और बाद में उसके लिए बाय कर लेता है। उन्होंने आज चंगी का हैंड ड्रॉन ड्रॉइंग भी निकाला। रात में हाक ने चंगी को उसके शूज दिए। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पर हाक को उसके फ्रेंड का कॉल आया। वो कहता है तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। चंगी कहती है तुम्हारे फ्रेंड को घर पर इन्वाइट कर लो, मैं उसके लिए खाना बनाती हूँ।
हाक कहता है कि हम दोनों सिर्फ ड्रिंक करेंगे, उसके बाद वो चला जाएगा। हाक अपने फ्रेंड से मिला तो फ्रेंड कहता है तुम्हारे ऊपर सब कुछ ब्लेम चला जा चुका है। उस लड़की ने एडमिट किया कि उससे तुम पर क्रश था, तुमने उसे मना कर दिया तो इसी वजह से उसने झूठ कहा था। उसे फिर से सियोल में अपना जॉब मिल चुका है। इसी का सेलिब्रेशन करते हुए फ्रेंड और वो ये दोनों बहुत ड्रंक हो गए। रात में चंगी डिनर वगैरह बनाती है पर वो घर पर ही नहीं आया। हाक कॉल पर उसे कहता है तुम घर चली जाओ, मेरे लिए वेट करने की जरूरत नहीं। मॉर्निंग में जब वो हाक से मिलने के लिए आए तो उसका सारा खाना ये बाहर पड़ा हुआ था। हाक उसे कहता है कि अब मैं सियोल फिर से वापस जा रहा हूँ। चंगी उसके साथ आज लंच करना चाहती थी पर वो इसके लिए भी मना कर देता है। चंगी हाक को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती, वो एक्चुअल में अब प्रेग्नेंट भी थी। हाक इस टाइप की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता तो अबॉर्शन करने के लिए उसे हॉस्पिटल में लेकर आता है। इतना सारा ट्रबल देने के लिए उसने उसे सॉरी कहा। एबॉर्शन के बाद बिना कुछ बताए हुए ही वो घर चला गया। हाक के घर आने पर उसकी वाइफ उस पर बहुत ही नाराज थी। हाक के जाने के बाद वो हमेशा बेड में ही पड़ी रहती है, अपने आप का कोई भी ख्याल नहीं रखती है। हाक ने उसे मेडिसिन दी है, अपनी बाहों में लिया, कहा कि अपना तुम ख्याल रखा करो। उसे भी बुरा लगता है, वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम गलत आदमी नहीं पर फिर भी कुछ गलत चीजें तुम कर डालते हो। वो अब से एक अच्छी वाइफ बनने का ट्राई करेगी। हाक ने चंगी से प्रॉमिस किया था कि उसे मिलने के लिए वो वापस आएगा पर बहुत दिनों तक आया नहीं तो चंगी डायरेक्टली उसकी यूनिवर्सिटी में ही आ जाती है। वो उसे यहाँ पर बात नहीं कर सकता तो उसने कहा कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आऊँगा और यहाँ से चली जाओ। चंगी भी मान जाती है। हाक के फ्रेंड ने सब देख लिया था, वो कहता है अब फिर से कुछ उल्टा सीधा मत करना जिससे तुम फिर से ट्रबल में आ जाओ। चंगी जब घर पर आई तो उसकी मदर उसे बहुत मारती है। हाक से मिलने के बाद वो डायरेक्टली उसके साथ ही रह रही थी। रात में चंगी मदर के लिए डिनर बना रही थी तभी हाक उसे मिलने के लिए आया। वो गैस ऑन छोड़कर वैसे उसे मिलने के लिए चली गई। हाक उसे थोड़े से पैसे दे देता है, वो उससे कहता है इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर नहीं सकता, वो उसे फिर से मिलेगा नहीं। चंगी कहती है तुम स्कूल से अपनी वाइफ से बात करो, सब लोग समझ जाएंगे। हाक ने ऑलरेडी अपने कॉलेज से बात की थी, अगर वो फिर से किसी स्कैंडल में पकड़ा गया तो उसका परमानेंटली जॉब जा सकता है। वो चंगी को ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। वो गिड़गिड़ा रही थी पर वो मानता नहीं। चंगी फ्लेम ऑन कर ही आई हुई थी तो उसके पूरे घर को आग लग गई। हाक उसे रोकता है कि प्लीज अंदर मत जाओ पर अपनी मदर के लिए वो अंदर चली जाती है। हाक ने फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर दिया और वहां से वैसे ही चला जाता है। आज जब वो घर से निकला था तो उसकी वाइफ उस पर बहुत ही अपसेट थी, उसने रात में खुदकुशी कर ली। हाक कहता है मेरा पूरा वर्ल्ड उस दिन बर्बाद हो चुका था। इसके बाद मूवी में डायरेक्टली 8 साल बीत गए। हाक कहता है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ पर फिर भी पहले वो जैसा था वैसा ही अब भी रहा। उसका एक बुक पब्लिश हुआ और वो सक्सेसफुल बन जाता है। अब इतने सारे पैसे लेकर वो वाइल्ड जी रहा था, कैसीनोज में जाता था और बहुत मजे करता था। आजकल एक रिपोर्टर के साथ भी उसका अफेयर चल रहा है। रिपोर्टर और हाक ये दोनों फेमस है तो पब्लिकली डेट नहीं कर सकते। रिपोर्टर चाहती थी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करे पर हाक इसके लिए रेडी नहीं था। कहता है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, हम दोनों आज यहाँ मिले हैं ये भी एक डेट की तरह ही है। इसी तरीके से छिप छिप कर मिलना रिपोर्टर को अच्छा नहीं लगता तो इस बात पर इनका झगड़ा हो गया, उसे छोड़कर चली गई। आजकल हाक को अपनी आईज को लेकर प्रॉब्लम आ रहे थे तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर उसे कहते हैं तुम्हें एक कंडीशन है, इस वजह से स्लोली स्लोली तुम्हारी विजन जा सकती है। अगर तुमने अभी क्या अभी अल्कोहल सिगरेट वगैरह छोड़ दिया तो तुम देख सकते हो। ये करने के लिए हाक रेडी नहीं था। हमेशा हाक जिस जगह पर जुआ आकर खेलने के लिए जाया करता था इसके बारे में उसकी यूनिवर्सिटी को पता चल गया। वो इस तरीके से किसी भी इल्लीगल चीज से एसोसिएटेड नहीं हो सकता तो इस वजह से यूनिवर्सिटी उसे सू कर देती है। इसे फाइट करने में उसके सारे पैसे चले गए। वो 8 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है पर ये उसके डॉटर को अच्छा नहीं लगता, वो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करती है। घर पर लोन के पेमेंट के लिए नोटिसेस आने लग गए। डॉटर पूछती कि ये क्या है। हाँ कहता है इस सब को मैं संभाल लूंगा। एक दिन उसके डोर पर नॉक आता है और ये चंगी थी। हाक ने अपनी लाइफस्टाइल कंटिन्यू की थी तो इस वजह से अब वो देख नहीं सकता, वो चंगी को पहचान नहीं पाता। चंगी अपने आप को देवकी के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी नेबर हूँ, मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगता है। चंगी और हाक की डॉटर एक दूसरे की अच्छी फ्रेंड्स बन चुकी थी। वो डॉटर से कहती है तुम्हारे फादर बहुत अच्छे लिखते हैं, उन्हें मैं बुक लिखने में हेल्प करूंगी। हाक जो भी बोलता था ये चंगी लिख डालती थी। एक दिन वो उससे कहती है कि एक बहुत ही अच्छे से डॉक्टर को जानती हूँ, वापस जाकर हम चेकअप करवा सकते हैं। ये दोनों डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर ने कहा एक न्यू टेक्नोलॉजी आई हुई है पर इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। हाक चंगी से कहता है अभी भी मेरे पास थोड़े से पैसे हैं,
मुझे कार्ड्स प्ले करने के लिए लेकर चलो, वहां पर मैं जीत सकता हूँ, मेरा ऑपरेशन हो सकता है। ये दोनों वहां गए और जीत भी रहे थे। हाक को लगा आज रात वो सब कुछ जीत सकता है, पर अचानक से वो हारने लग गया। सारे पैसे उसके बर्बाद हो गए। अब उसे और भी लग रहा था कि जो पैसे लॉस किए हैं वो फिर से वापस मिलने चाहिए। उसने इस क्लब के गुंडे से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर कुछ पैसे बोरो कर लिए। ये सारे पैसे भी वो हार जाता है। नेक्स्ट सीन में चंगी और हाक की डॉटर बात कर रहे थे। वो कहती है मदर जिस तरीके से होनी चाहिए वैसे तुम सब कुछ हो, स्वीट हो, टेंडर हो, पर उसे चंगी के बारे में कुछ गलत लगता है। वो नहीं चाहती कि चंगी उसकी मदर बने। इस बात से इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। एक दिन चंगी और हाक ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इन्हें इंटीमेट होता हाक की डॉटर ने देख लिया था। जिस गुंडों से हाक ने पैसे लिए थे उसके घर पर आने लग गए। वो उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर तुमने पैसे जल्दी वापस नहीं किए तुम्हारी डॉटर को हम उठवा लेंगे। हाक के डॉटर के सारे फोटो घर पर रख कर गए। ये जब डॉटर देखती है तो बहुत ही डर गई थी। और भी थोड़े दिन गुजर गए, हाक कुछ भी पे नहीं कर पाया। फिर से गुंडे उसके पास आए और उसे बहुत मारते हैं। वो उसे कहते हैं अगर तुमने अपनी डॉटर को हमें सेल कर दिया तो हम तुम्हें कुछ पैसे दे सकते हैं, इससे तुम अपनी आईज का ऑपरेशन करा सकते हो। हाक इसके लिए मना कर रहा था पर कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं। उन्होंने उसे पैसे दे दिए और हाक की डॉटर को लेकर चले गए। हाक को बहुत बुरा लगता है। हाक की डॉटर को जब होश आया तो वो डायरेक्टली अलग कंट्री में थी। ये गुंडा उसे कहता है तुम्हारे फादर ने हमें तुम्हें सेल कर दिया। वैसे तो चाहते नहीं थे पर अपनी आंखों के लिए उन्हें करना पड़ा। हाक ने जब ये सब पैसे चंगी को दिखाए तो कहती है ये बहुत ही कम है, इससे बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। हाक का आई ऑपरेशन अभी भी हो नहीं सकता। इसके बाद मूवी में 6 मंथ्स चले जाते हैं। आजकल चंगी हाक का ख्याल रख रही है। हाक कुछ देख नहीं सकता तो चंगी अगर हेल्प नहीं करेगी तो कुछ भी कर नहीं पाएगा। चंगी उसे बात दे रही थी तो उसने कहा तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी डॉटर को मार डाला। तुम्हारी वजह से मेरी डॉटर और मेरी मदर इन दोनों की डेथ हो गई। क्या तुम्हें अब याद आ रहा है? हाक को समझ में आ गया कि चंगी है। हाक ने कहा मुझे शक तो आया था पर उसने इसने इग्नोर कर दिया। चंगी ने कहा कि उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जो तकलीफ हुई एक तकलीफ मैं तुम्हें भी दूंगी। जो भी हाक के साथ हुआ उसका ब्लाइंड होना इसके पीछे चंगी थी। जो गुंडा हाक की डॉटर को लेकर गया उसे भी ये सब करने के लिए पैसे चंगी नहीं दिए थे। हाक के जाने के बाद उसने मेहनत की थी, इस वजह से रिच बन गए और इसके बाद उसने उससे बदला लिया। ये सब पता चलने के बाद भी हाक चंगी को कुछ भी कर नहीं पाया। हाक के सामने ही चंगी हाक के डॉक्टर को घर पर लेकर आती है, उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। हाक बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था तो बहुत सारी बातें वो लिखता है। चंगी उससे कहती है तुम्हारी आग जाने के बाद भी तुम्हारी राइटिंग परफेक्ट है। ये दोनों अब भी एक साथ ही रह रहे थे। एक दिन अचानक से हाक की डॉटर वापस आ गई। वो चंगी से कहती है कि मैं एक रिच ओल्ड मैन से मिली थी, उसने उसे बहुत सारे पैसे दिए, इसी वजह से वो फ्री हो चुकी है। हाक की डॉटर का आना ये चंगी को अच्छा नहीं लगा। वो फिर से गुंडे को कॉल लगाती है। गुंडा कहता है उसने जो भी सब पैसे लिए थे सारे वापस कर दिए हैं, अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। चंगी जब शॉवर ले रही थी तो वहां उसके पास हाक की डॉटर आई। चंगी की बॉडी पर बर्न्स के निशान है। उससे कहती है तुमने बहुत ही सफर किया पर तुम्हारी वजह से मुझे भी बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ी है। वो अब उससे बदला लेगी। डॉटर ने हाक से कहा कि आपकी अब मैं सर्जरी करवाऊंगी। हाक को अपनी डॉटर से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। ये सारी बात वो चंगी से करता है। उसने जो भी किया इन सब चीजों के लिए सॉरी कहा। कहता है मेरी आंख वापस आने के बाद मैं फिर से बुक लिखूंगा, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। चंगी कहती है कि तुम इतनी अच्छी बातें मत करो, तुम्हें सूट नहीं करती। वो रोने लग गई थी। तभी चंगी का गुंडा उसे किडनैप कर लेता है। चंगी की आंखें निकाल कर उन्होंने हाक को दे दी। ये हाक की डॉटर का बदला था। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि हाक अब सब कुछ देख सकता है और चंगी अंधी बन चुकी है। हाक उसे पार्क में लेकर आया था। उसने कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, उसने उसे आई लव यू कहा। यही पर मूवी एंड हो जाती है। मूवी में चंगी को हाक से बदला लेना था पर ये बदला लेने में उसने उसकी डॉटर को बहुत ही ज्यादा हर्ट किया, इस वजह से उसे भुगतना पड़ता है। उसकी आंखें चली गई। हाक ने जो भी किया था जिंदा होकर ही उसे सब कुछ सफर करना पड़ा। अपनी बेटी उससे दूर चली गई, उसकी वाइफ की डेथ हो गई। अब वो चंगी के साथ तो रहेगा पर एक गिल्ट में हमेशा उसका ख्याल रखते हुए। इसी तरीके से इस मूवी की एक ट्रेजिक एंडिंग हो जाती है।